नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं दूसरे टेस्ट मैच में करारी हार के बाद इंग्लैंड ने तीसरे और चौथे टेस्ट मैच के लिए, खासतौर पर पहले तीसरे टेस्ट मैच की बात करते हैं। उसके लिए उन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। आपको पता है कि पहले दो टेस्ट मैच के लिए ही सिर्फ स्क्वाड अनाउंस किया गया था। मोइन अली इसमें नहीं है, ये आपको ब्रेकिंग न्यूज पहले ही दे दूं। वो मोइन अली जो दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में विराट कोहली को आउट करने के बाद बहुत चहक रहे थे, जवाब तो दिया विराट कोहली ने दूसरी पारी में, गजब की बल्लेबाजी, उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। पहले बात इस टेस्ट स्क्वाड की, इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट के लिए जो स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें जो रूट ऑब्वियसली कप्तान है, जेम्स एंडरसन, जोफ्रा आर्चर, जॉनी बेरिस्टो, डोमिनिक बेस, स्टुअर्ट ब्रॉड, रोरी बर्न्स, जैक क्रॉली, बेन फोक्स, डॉन लॉरेंस, जैक लीच, ओली पोप, डॉम सिबले, बेन स्टोक, ओली स्टोन्स, क्रिस वोक्स और मार्क वुड के नाम शामिल हैं। और इन सारी चीजों से इतर जो एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है, जैसे मैंने कहा आपको, मोइन अली जो है घर जा रहे हैं आराम करने के लिए, नो मोइन अली इन थर्ड टेस्ट। और इसके साथ साथ जो है, जो लोग देखना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि चेंजेस इन प्लेइंग 11 कुछ ऐसे हो सकते हैं कि बेरिस्टो को लॉरेंस की जगह पर लाया जाए, क्रॉली को बर्न्स की जगह पर लाया जाए, बेस को अली की जगह पर लाया जाए, आर्चर को स्टोन की जगह पर लाया जाए एंड एंडरसन ऑब्वियसली आएंगे, वापसी करेंगे, जैक लीच की जगह शायद वो वापसी कर सकते हैं। खैर, इसके बारे में कभी और बात करेंगे, अभी के लिए फिलहाल यही अनाउंसमेंट है, मोइन अली घर जा रहे हैं और इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट मैच के लिए, पिंक बॉल टेस्ट मैच है, डे नाइट टेस्ट मैच है याद रखिए, और इसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है, टिकट सोल्ड आउट है। अभी टेस्ट मैच शुरू होने में वक्त है लेकिन टिकट पहले ही सारे के सारे बिक चुके हैं, क्योंकि भारत में ये दूसरी बार होने जा रहा है जबकि डे नाइट टेस्ट मैच होगा। आपको पता है इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था और मोटेरा में होने जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, वहां पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।